बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से मशहूर पावन तीर्थ स्थल जटाशंकर धाम से 5 किलोमीटर दूर बुंदेलखंड का एक ऐसा स्थान जो कुदरती चमत्कारों से भरा पड़ा है। कंकरीले पत्थरे रास्तों से भरा यह रास्ता प्रकृति की गोद में मौजूद है। हरी भरी वादियां, पहाड़ी रास्ते, कलकल करते झरने, गुफाओं के बीच मौजूद देवी देवताओं के इस मंदिर इस स्थान की सुंदरता कहानी बयां करती है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण बेहद खूबसूरत स्थल विकास से कोसों दूर इस स्थान को पहचान नहीं दिला सके हैं। तो क्या है इस स्थान का नाम और पहचान, आइए हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित बिजावर का चर्चित धार्मिक स्थल जटाशंकर धाम से महज 5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है मोनसैया धाम। मोनसैया वह स्थान है जो प्राकृतिक सुंदरताओं से परिपूर्ण है, पर इस स्थान के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं है। डिलारी में अर्धनिर्मित यानी आधा बना हुआ एक तोरण द्वार बना है। इस द्वार से होकर मोनसैया तक पहुंचा जाता है। हमारी टीम आगे बढ़ती है तो रास्ते अत्यंत पथरीले और कंकरीले होते गए। जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में बने इस रास्ते से होकर हमारी टीम आगे बढ़ती है। रास्ते में कुछ स्थानीय लोग फुटपाथ पर पूजन सामग्री बेचते नजर आए। दुकानदार से बात करी तो उन्होंने बताया कि मोनसैया एक सिद्ध धार्मिक स्थल है और यहाँ पहुँचने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिन जानने वाला है कहता है कि यहाँ कोई लीला है, कुदरती चीज है, साक्षात लीला है भगवान। कच्चे पहाड़ी रास्तों का सफर तय करने के बाद आखिरकार हम मोनसैया पहुँच गए। गुफाओं और हरी भरी वादियों से परिपूर्ण यह स्थान बेहद मनोरमय है। पहाड़ी चट्टानों के बीच एक बड़ी सी गुफा में यह स्थान मौजूद है, जहाँ पहाड़ों के माध्यम से झरने गिरते हुए आकर्षक दृश्य बनाते हैं। मोनसैया में पंचमुखी भगवान, महादेव, पार्वती मैया, शनिदेव महाराज, सतयुग के गजानन महाराज, सिद्ध बाबा, पंचमुखी हनुमान जी एवं ब्रह्मा जी के मंदिर विद्यमान है। गुफा के अंदर ही प्राकृतिक कुंड है, जिन्हें आधुनिक साज सज्जा प्रदान की गई है। मान्यता है कि इस कुंडों के जल से स्नान करने मात्र से ही लोगों की सारी समस्याएं हल हो जाती है। मोनसैया के महंत केशक दास जी बताते हैं कि पूर्व में उनके गुरु महान श्री चतुरदास जी महाराज द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी और उन्हीं के सानिध्य में अब उनके द्वारा इस स्थान की सेवा की जाती है। वर्तमान में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु भारी तादाद में भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। महंत बताते हैं कि पहले इस स्थान पर डाकुओं और जंगली जीव जंतुओं का बसेरा था, पर वर्तमान में यह समस्याएं काफी हल हो चुकी हैं। हम बता दीजिएगा, हमारे गुरुदेव का नाम है चतुरदास महाराज जी, मेरा नाम है सेवकदास महाराज जी, और ये इस आश्रम का नाम है मोनसैया धाम जी। जटाशंकर से 3 किलोमीटर दूरी है, जंगल में है, गुफा है, पहाड़ के नीचे गुफा है, और यहाँ पंचमुखी हनुमान जी है, यहाँ सिद्ध महाराज हैं, ज्योति जगती है, और यहाँ पंचमुखी भोलेनाथ हैं, और यहाँ सतयुग के गणेश भगवान हैं जी, और यहाँ पार्वती मैया महादेव हैं, शनिदेव की भी प्रतिमा है, शनिदेव की भी प्रतिमा है जी। यहाँ संत शिरोमणि रविदास महाराज की भी प्रतिमा है, और यहाँ उमस से भी गंगा बहती है 12 महीना, डूबस से भी गंगा बहती है, और गंगा मुख से भी गंगा बहती है जी। और हम लोग साधु संत पड़े हैं और कृपयालु आने जाने में परेशान हैं जी, तो हमको 3 किलोमीटर केवल सड़क चाहिए जी। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आप 3 किलोमीटर रोड मोनसैया के लाने कृपया करके बनवा दें, और यहाँ सिद्धयालु जो आते जाते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है, कोई के बाल बच्चे नहीं होते हों तो उनके बाल बच्चे भी कृपा है मालिक की, कोई को सफेद दाग हो उसकी दवा देते हैं, और बवासीर हो उसकी भी दवा देते हैं हम, हथरी हो उसकी भी दवा देते हैं, जेबगा हो उसको ये दवा देते हैं, और बाकी अनेक मनोकामनाएं पूरी होती है, और हम किसी के द्वारा मांगने भी नहीं जाते हैं, सिद्धयालु जो आते हैं हम किसी को मोल कीमत करके भी नहीं कोई राशन पानी देते हैं, जो कुछ हमारे भंडार में है तो खाते पीते हैं, इच्छा हो जी की तो दान पुण्य कर जाए और नहीं हो तो हरिओ इंसान की। महाराज जी कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तो लोग देखो कोई भी जिला नहीं बचो, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, हंसे और तमाम छतरपुर, नाथ, तमाम सागर,
और तुम्हारे भोपाल और तुम्हारे से बंबई तक से आदमी से दयालु आने जाने लगे और कई साधु संत भी मर गए लेकिन रुक नहीं पाए। लेकिन हमारे गुरुदेव ने जो स्वामी जी ने जब से यहाँ डेरा डालो तो फिर वे बहुत कछु सऊत रहे और बने रहे। फिर इसके बाद में कुछ दिन बाद में मुझे भी लेने गए तो मेरे हम दो जने बने रहे। कई साधु भी केला भी बना ले। यहाँ भंडारे भी होते हैं, गुरु पूर्णिमा का होता है, दशहरे का होता है और बसंतन का होता है और कन्या भोज चाय जब होते रहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही बाधा है, वो है कंकरीला रास्ता। उम्मीद है कि सरकार की नजर इस पर पड़ेगी और मोनसैया की सुंदरता में और चार चांद लगेंगे। अगर आपको भी प्राकृतिक वादियों में घूमने का शौक है तो बारिश के मौसम में यहाँ जरूर आइए।